राजभवन पटना से पहुंची 3 सदस्य टीम ने शुक्रवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में करोड़ों की अनियमितताओं समेत गलत ढंग से नियुक्ति और प्रोन्नति के मामले में जांच की थी। इसी संदर्भ में आज बिहार विधान परिषद सदस्य अर्जुन सहनी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता को आयोजित कर प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि हमें राजभवन पटना से पहुंची टीम एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से प्रूफ में कोई जानकारी नहीं दिया गया था, जबकि शिकायतकर्ताओं को जानकारी नहीं देने से जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं हो पाया है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार विधान परिषद सदस्य अर्जुन सहनी जी ने वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा। अनियमितता पर हमने राजभवन में जाकर अपने शिकायत दर्ज की और महामहिम को बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि मेरी शिकायत को तुरंत मेरी अर्जी को तहजीद देके विश्वविद्यालय के संस्कृत विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच का कमिटी समिति बना। दिनांक 13 नवंबर को उन्होंने कमेटी का घोषणा किया। उस घोषणा के अनुसार जांच कमेटी दिनांक 6 तारीख को बैठक का भी डेट रखा। मैं खेत के साथ दुख हुआ मुझे कि मुझे विलम्ब से सूचना मिला। 5 तारीख को हमको रात्रि में सूचना मिला कि 6 तारीख को बैठक है। मैंने कर्नल नवीन जी से बात किया रजिस्ट्रार से कि मैं राज्य से बाहर हूँ, मुझे 4-5 दिन का मौका पहले भी मिल गया रहता या सूचना मिल गया रहता तो उस बैठक में मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता। और अपनी बात जो आरोप मैंने राजभवन में दिया है उस पर मैं साक्ष्य रूप के साथ मैं उसको प्रमाणित करता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझको भी 5-7 रोज पहले मालूम हो गया रहता तो मैं आपको बोलता। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को और शिकायतकर्ता को इस जांच कमेटी ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने थलग करने का कोशिश किया है जो अपनी मंसूबा में सफल हुआ है। मेरा आरोप है मैं अगर उसमें आरोप करता होने के नाते मैं भाग लेता तो पूरा जो मैंने अपनी लिखित जांच करने के लिए दिया था उसका दूध का दूध पानी का पानी कर देता। मुझे विश्वास है कि अगर ये मिली भगत के द्वारा काम किया है और काम साजिश के तरह हम लोग को छांटने का कोशिश किया है तो मैं आप लोग के माध्यम से पूरे बता देना चाहता हूँ कि पुनः फिर मैं राजभवन जाऊँगा और मैं अपनी महामहिम से पूरे सही जानकारी देने का कोशिश करूँगा और उस माध्यम से मैं अपने विधान परिषद सदस्य होने के नाते मैं अपने हाउस में इस बात को प्रसन्न रखूंगा। गलत हो जाएगा और जितनी पॉइंट है गलत हो जाएगा तो मैं स्वतः बिना प्रेशर में बिना कहे सुने मैं अपने आवेदन को वापस लूंगा। और नहीं है मेरा दावा सही है तो राजभवन से आ जाए या ऊपर के भवन से आ जाए, निष्पक्ष जांच करे, यही मेरा मांग है।